हे गाइस, मैं हूं मरियम सिद्दीकी और मैं इलाज.com पर ब्यूटी एक्सपर्ट हूं। आज मैं आपको बताऊंगी ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के से आप अपनी खूबसूरती को, अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने नाखूनों को किस तरह अपनी पूरी बॉडी को आप जैतून के तेल से यानी ऑलिव ऑयल से आप कैसे निखार सकते हैं, ऑलिव ऑयल के क्या फ़ायदे हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत हम जिन लोगों ने भी ऑलिव ऑयल के बारे में सुना है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसके गुणों के बारे में भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीका, किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हर किसी को नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऑलिव ऑयल के खास गुण, जिसे आप मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स दूंगी जिनसे आप अपनी स्किन को, अपने बालों को जो है ऑलिव ऑयल की मदद से निखार सकती हैं, ऑलिव ऑयल की मदद से बेहतर कर सकती हैं। त्वचा या बालों पर अगर आप जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हैं तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करें, आप हल्का गर्म या गुनगुना करके इसे लगाना आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये बात भी हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ऑलिव ऑयल को सीधा आँच पे गर्म ना करें, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट हीट पे अगर आप इसको गर्म करती हैं तो इसमें जितने भी जो एसेंशियल इसमें जो मिनरल्स हैं या एसेंशियल जितने भी इसमें गुण हैं वो जो है इसके ख़त्म हो जाएंगे। इसे गर्म पानी से भरे किसी कटोरी के अंदर रखकर आप इसको गर्म करें, आप इसे डायरेक्ट हीट में गर्म ना करें, और फिर आप इसे या फिर आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकती हैं। इसे ये जो गुनगुना हो जाए तेल, आप इसे आपकी स्किन पर लगाएं और आप अपने बालों को भी बालों में भी इसे लगा सकते हैं। इससे आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा चमक आएगी, और अगर आप इसे स्किन पर लगाती हैं तो इससे आपकी जो स्किन में जो ड्राइनेस होगी वो दूर होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लगेगी, आपका रंग निखरने लगेगा, और ये इसी के साथ साथ अगर आपके डार्क सर्कल हुए हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब आप अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फटे हैं या सर्दियों की वजह से हमारे लिप्स सर्दियों में ज़्यादा हमारे लिप्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं, उनसे खून भी निकलने लग जाता है, तो अगर आप अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहती हैं, पिंक करना चाहती हैं, मुलायम बनाना चाहती हैं, तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। होटल की त्वचा चेहरे की स्किन से हमें पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, बहुत ज़्यादा कोमल होती है, जिसके लिए हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर ऑलिव ऑयल जो है आपके होठों में जो नमी अगर आपकी चली गई है तो ऑलिव ऑयल से वापस आ सकती है, तो आप क्या करें, आप ऑलिव ऑयल के तेल में कुछ शक्कर के दाने डालें और 2-4 नींबू की बूंद भी इसमें डालें, नींबू का रस डालें इसमें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर आप इस मिश्रण को अपने होठों पर लगाएं, हल्के हाथों से रगड़ें और इसे कुछ देर के लिए रहने दें। इसके बाद आप इन्हें साफ कर लीजिए। इससे कुछ ही देर बाद आपकी जो होठों की जो नमी थी वो फिर से वापस आ जाएगी, आपके होठ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुलाबी नज़र आने लगेंगे, और आपके होठों पे जो वो डेड स्किन हो जाती है वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगी। हर लड़की का ख्वाहिश होती है कि उनके नेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखें, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें, और इन अच्छे नाखूनों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। तो अगर आपके जो नेल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं या फिर उनकी जो चमक है वो चली गई है, तो ऑलिव ऑयल के ज़रिए आप जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके आप अपनी चमक फिर से वापस ला सकती हैं। आप इसके लिए ऑलिव ऑयल से अपने नाखूनों पर मसाज करें और इसे कुछ देर के लिए रखा रहने दें, और जब तक नाखून पूरा जो ऑयल है जब तक सोख ना लें तब तक आप इसे लगा रहने दें। और आप इसका नियमित अगर रूप से अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो इससे आपके जो नेल्स हैं वो जल्दी नहीं टूटेंगे, या अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा खुरदुरे हैं या फिर में चमक नहीं है तो इनसे क्या होंगे, आपके नेल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे और वो चमकदार भी होंगे और वो जल्दी नहीं टूटेंगे। तो आप अपने हाथों की खूबसूरती भी जो है ऑलिव ऑयल से बरकरार रख सकती हैं। ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.ilaj.com।